While preparing statement of profit or loss, in fact, there are few terminologies that we should learn. Okay, if learning is hogi then we can properly treat it. So there are two, in fact, terminologies that I will discuss in this module. That is component of an entity and discontinued operation. Component of an entity. कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी को आप यूं समझ लीजिए कि आपके ऐसे ऑपरेशंस जो कि डिस्टिंक्ट हो सकते हैं ऑपरेशनली और कैश वाइज फ्रॉम द अदर एंटिटी अदर पार्ट ऑफ द एंटिटी और फ्रॉम द होल एंटिटी उसको आप कहते हैं ये कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी है फॉर एग्जांपल आपका एक सेगमेंट है उस सेगमेंट में आपने अलग से उसकी इनफ्लोज और आउटफ्लोज रखी हुई हैं आप ऑनलाइन सेल्स की बात कर आप फिजिकली भी आउटलेट्स पे सेल करते हैं और ऑनलाइन भी आप सेल करते हैं अपनी प्रोडक्ट को तो। अब फिजिकली जो सेल आपके शोरूम पर हो रही है वो एक अलग से सेगमेंट है और ऑनलाइन सेल्स एक अलग से सेगमेंट है ओवरऑल एक ही बिजनेस है तो वो ऑनलाइन सेल्स के सेगमेंट का रेवेन्यू अलग से जनरेट हो रहा है उसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म डिफरेंट उसके आर डिफरेंट उसका सेल्स ऑर्डर डिफरेंटली रिसीव होता है उसका डिस्पैच डिफरेंटली होता है तो वो डिस्टिंक्ट है वो बाकी के ऑपरेशंस के साथ देयरफॉर उसको आप कहेंगे कंपोनेंट कॉम्पोन एंटिटी है उसकी कैश फ्लोज भी अलग से होंगी और उसकी जो है ऑपरेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी अलग से होंगी तो इसको हम कैश जनरेटिंग यूनिट भी कह सकते हैं या ग्रुप ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट्स भी डिफरेंटली आप उनको इकट्ठा कर लें तो आपके कंपोनेंट ऑफ एंटिटीज बन वेल well, नेक्स्ट है इसमें डिसकॉन्टीन्यूड ऑपरेशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना होता है कि इस देर एनी ऑपरेशन दैट वी हैव डिस्पोज ऑफ ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड फॉर एग्जाम्पल मैं इसी ऑनलाइन बिजनेस ही की बात करता हूं वी हैव लाइक फिफ्टी आउटलेट्स जहां पर फिजिकली चीजें सेल हो रही हैं और हमने ऑनलाइन बिजनेस की भी एक जो है वो सेगमेंट शुरू किया पिछले दो साल से तीन साल से ऑनलाइन बिजनेस हम कर रहे हैं सेल्स कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेज नाउ दैट ऑनलाइन सेल्स इज नॉट वायबल बिजनेस आप कहते हैं कि अब ऑनलाइन सेल नहीं होगी हम अपने कस्टमर्स को कहेंगे कि वो फिजिकली आउटलेट से आकर हमारी प्रोडक्ट को खरीदें अब वो ऑनलाइन सेल्स को आप डिसकंटिन्यू करते हैं इस करंट रिपोर्टिंग पीरियड में अब जब आप डिसकंटिन्यू करेंगे तो इस करंट रिपोर्टिंग पीरियड में जितने मंथ्स वो ऑपरेशनल रहा होगा उतने मंथ्स का रेवेन्यू और उतने मंथ्स के एक्सपेंसेस को नेट ऑफ करके आप सेपरेटली डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के तौर पर एक सेपरेट लाइन आइटम में शो करेंगे कि ये हमारा प्रॉफिट है इस डिस्कटिन्यूड ऑपरेशन से राइट तो डिस्कटी ऑपरेशन या तो आप डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं ड्यूरिंग द पीरियड या फिर आपने उस group, उस group of cash generating units, या उस या यूनिट को या उस component of an entity को आपने held फॉर सेल डिमिन कर लिया कि दिस इज द कॉम्पोनेंट ऑफ एन एंटिटी विच इज हेल्ड फॉर सेल तो उसको भी आप डिसकॉन्टीन्यूड ऑपरेशन के तौर पर लेते हैं जहाँ पर आपकी ये तीन पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करना बहुत जरूरी हैं जो कह रहा है इट रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट मेजर लाइन आइटम ऑफ बिजनेस या एक ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन आपकी ज्योग्राफिकली भी कोई डिफरेंट ब्रांच है उस डिफरेंट किसी ब्रांच को एक डिफरेंट सिटी में एक ब्रांच है आप आज़ाद कश्मीर की ब्रांच को समझते हैं कि दैट इज़ नॉट वायबल मुजफ्फराबाद में आपकी जो ब्रांच है उसको आप डिसकंटिन्यू करते हैं कि वो वायबल नहीं है वहां पर हम अपनी प्रोडक्ट को नहीं भेज सकते कुछ आपके एक्सट्रीम सीजन के अंदर देयरफॉर आप क्या करते हैं आप उस ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर देते हैं अब जब आपने डिसकंटिन्यू किया तो उस ऑपरेशन को आप सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे जिस साल में आपने डिसकंटिन्यू किया सिर्फ उस साल में उसके रिजल्ट्स को सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे वेल well, कहता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ ए सिंगल कोऑर्डिनेटिंग डिस्पोजल प्लान आपने अगर उसको एक डिसकॉन्टीन्यूड ऑपरेशन के तौर पर आप रख रहे हैं हेल्थ फॉर सेल के तौर पर तो एक सिंगल कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन आपकी जो है वो डिस्पोजल प्लान की हुई हुई है उस पर आपने एक प्लान बना लिया एक सॉलिड प्लान कि जिसको डिस्पोज ऑफ करना हैल्थ फॉर सेल हो गया वो सारा का सारा सेगमेंट भले वो जियोग्राफिकल है यहां पे आपकी बिजनेस लाइन है और इसी तरह से वो कहता है कि एक सब्सिडरी कंपनी आपने एक्वायर की थी एक्सक्लूसिवली विद द व्यू ऑफ रीसेलिंग आपने एक्वायर किया रीसेल करने के लिए आपका मकसद ही नहीं है कोई उस सब्सिडरी को कंटिन्यू करने का तो उसको भी आप डिसकटिन्यूड ऑपरेशन के जुमरे में लेंगे तो ये दो सेगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको इसे समझना और सीखना है वाइल्ड प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन आवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आपको इन दोनों टर्मिनोलॉजीज से मुतलक कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में थैंक यू